हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं। और आज की ये वीडियो डिलीट करने को लेकर के है। किसी टेबल को बनाते समय अगर कोई टेबल हमने बनाया, उसमें कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड डिलीट करना है तो कैसे डिलीट करेंगे, इसी के बारे में बात करेंगे। छोटी सी वीडियो। यहाँ पर सबसे पहले डेटाबेस बना लेते हैं। तो यहाँ डेटाबेस पे जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और यहाँ न्यू डेटाबेस चूज करते हैं। जैसे न्यू डेटाबेस चूज करेंगे तो एक नई विंडो खुल करके आएगी। अब यहाँ पर उस डेटाबेस का आप नाम दे दीजिए, लाइक मैं यहाँ दे देता हूँ DBMS 1। ठीक है, तो ये दे दिया हमने नाम और यहां से ओके प्रेस करता हूं। यहां से ओके प्रेस करूंगा तो आपको इसमें DBMS 1 दिखाई पड़ेगा। ठीक है, अगर ना दिखाई पड़े तो रिफ्रेश कर लीजिएगा। अब यहां पर इस पर क्लिक कर देता हूं, यहां नीचे हमें टेबल्स दिखाई पड़ेगी। तो ये टेबल पे जाना है, राइट क्लिक करना है और न्यू पे जाना है और यहां से टेबल बना लेना है हमको। तो टेबल में सबसे पहले क्या देता हूं, मैं रोल नंबर देता हूं। तो यहां लिखता हूं रोल अंडरस्कोर नंबर, तो रोल नंबर लिख दिया हमने। ठीक है, और इसे एन कैर डेटा टाइप ही रहने देते हैं। ठीक है, और यहां से टिक हटा देते हैं। यहां पर आते हैं, स्टूडेंट का नेम आएगा तो यहां कर देता हूं स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो स्टूडेंट नेम हो गया और यहां पर एन कैर डेटा टाइप ही रहेगा। और यहां पर आप क्लास वगैरह दे सकते हैं। फिलहाल हमारा काम इतने से हो जाएगा क्योंकि हमको डिलीट करके दिखाना है, तो मैं डिलीट करके दिखाता हूँ रिकॉर्ड को कैसे डिलीट करेंगे। तो अब इसको क्लोज करेंगे तो ये सेव करने के लिए बोलेगा, इसको सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर इसको एक नाम दे देते हैं हम, कोई भी नाम दे सकते हैं आप अकॉर्डिंग टू योर विश। तो यहां पर मैं दे देता हूं डीबी दे दिया नाम इसको, डीबी यानी डेटाबेस। तो ये दे करके और यहां से अब डबल क्लिक करेंगे तो नीचे हमें वो डेटाबेस शो होने लगेगा जो हमने बनाया है डीबी के नाम से। यहां पर जाकर के राइट क्लिक करके एडिट टॉप 200 रोज पे जाना है हमको। और यहां पर अब देखिए रोल नंबर दिखाई पड़ रहा है, यहां से इसको ड्रैग बैक करके बड़ा छोटा कर लीजिए। अगर आपको कॉलम्स दिखाई नहीं पड़ रहे, पूरे पूरे हेडिंग्स ऊपर की दिखाई ना पड़े, तो इसको ड्रैग करके छोटा बड़ा कर सकते हैं आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आइए रोल नंबर 1। ठीक है, रोल नंबर 1 जिसका है उसका नाम है ईशा, तो ये लिख दिया हमने ईशा। यहाँ पर रोल नंबर 2 की बात करते हैं, रोल नंबर 2 राम है तो यहाँ राम लिख देता हूं। यहां पर आकर के लिखूंगा राम, RAM राम, क्लिक किया यहाँ पे RAM राम। ठीक है, और यहां पे आता हूं रोल नंबर 3 लिखता हूं और रोल नंबर 3 है श्याम। ठीक है, श्याम लिख दिया, यहां पर आए रोल नंबर 4 की बात करते हैं सचिन, यहां लिख दिया सचिन। ओके, रोल नंबर 5 इसी तरह से लिख देंगे हम, तो रोल नंबर 6 कर देते हैं नेहा, NEHA, इस तरीके से। अब इसको क्लोज करने की बारी है तो यहां से जाकर के इसको क्लोज कर दीजिए। अब ये डेटाबेस जब आप देखेंगे तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई पड़ेगा, आप देख सकते हैं ये इस तरह से दिखेगा आपको। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं कहां, सीधा क्वेरी बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेरी पे आ गए हैं। अब यहाँ पे लिखना है हमें सेलेक्ट कीवर्ड का यूज करना है, तो ये लिखेंगे सेलेक्ट और फिर इनटू का साइन लगा करके फ्रॉम कहाँ से सेलेक्ट कर रहे हैं, तो उस टेबल का नाम आएगा। तो यहाँ पे टेबल का नाम था डीबी, यही टेबल का नाम था ना, तो ये यहाँ पे दे देता हूँ। ठीक है, तो ये दे दिया हमने। अब इसको टर्मिनेट करेंगे, जब इसको हम देखेंगे यहाँ से सिलेक्शन में लेकर के और यहाँ से एक्सिक्यूट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि वही चीजें हमें शो हो जाएंगी जो हमने टेबल में बनाया था और लिखा था, जो फिल किया था। ठीक है, अब फिर नीचे आना है। अब यहाँ पे करना क्या चाहते हैं हम, ये चाहते हैं कि एक लोगों का नाम इसमें से डिलीट हो जाए। ठीक है, सबसे पहला ही नाम ले लेते हैं ईशा, इसको हम डिलीट करना चाहते हैं। डिलीट कैसे करें, कोड लिख करके कैसे डिलीट करें, तो यहां पर हमें इस्तेमाल करना है डिलीट का, तो यहां लिखेंगे डिलीट। ठीक है, सीधा सीधा डिलीट लिखिए और कहां से डिलीट करना है तो वो लिख दीजिए, तो डिलीट फ्रॉम ये दे दिया हमने। और कहां से डिलीट करना है, डिलीट करना है हमको उस टेबल का, तो डीबी से डिलीट करना है ना, तो डीबी दे दीजिए यहां पे, ये ऊपर डीबी आ ही रहा है तो ये डीबी दे दिया हमने। अब क्या करना है, अब यहां पे करना है वेयर WHERE। ठीक है, और रोल नंबर, उसका रोल नंबर क्या हो उसी को डिलीट करना है, तो यहां पे लिखा मैंने रोल अंडरस्कोर नंबर, तो उसका रोल नंबर क्या हो वो रोल नंबर हमको यहाँ पे देना है। ठीक है, तो रोल नंबर हम चाहते हैं जो 1 है वो डिलीट हो जाए, तो ये रोल नंबर 1 लिख दिया हमने, इसको टर्मिनेट कर दिया। टर्मिनेट करने के बाद अब देखिए ये टर्मिनेशन भी दे दिया हमने, और टर्मिनेशन देने के बाद हमको क्या करना है, इसको लेना है सिलेक्शन में। ठीक है, सिलेक्शन में लिया, यहां से एक्सिक्यूट करवाएंगे तो ये सक्सेसफुली एक्सिक्यूट तो हो ही गया है। अब यहां पर क्लिक करता हूं, ठीक है, यहां पे क्लिक करता हूं, ये दिखा रहा है 1 रो अफेक्टेड, कहने का मतलब है कि 1 रो हटा दिया गया है इसमें से। ठीक है, कैसे पता चलेगा 1 रो हट गया है, यहां पर जाएंगे और इसको एक्सिक्यूट करेंगे तो अब देखिए रोल नंबर 1 इसमें से गायब है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं रोल नंबर 2 को हटाना तो रोल नंबर 2 को भी हटा सकते हैं, यहां पर सिर्फ आप कर दीजिए रोल नंबर 2,
ठीक है, यहाँ पे लिखा रोल नंबर टू और यहाँ पे अब इसको एक्सिक्यूट करवा देता हूँ। तो देखिए ये एक मिनट, इसको पहले यहाँ से रन करवाता हूँ फिर अब यहाँ से एक्सिक्यूट करवा देता हूँ। तो देखिए ये रोल नंबर टू जो है गायब हो गया। तो इस तरीके से आप डिलीट का यूज करके और इस तरह से रिमूव भी कर सकते हैं बहुत ही इजिली। आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती हो तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।